हेलो दोस्तों, मैं सुधीर कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ आर्ट। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट की कमेंट आ रही थी कि भाई जीएस के लिए कुछ बता दीजिए कि जीएस में एक अच्छा स्कोर हो जाए और कम समय में हमारी जीएस की तैयारी बहुत अच्छी हो जाए, कि लगभग हम 15 से 16 क्वेश्चन जीएस के आराम से ठीक कर लें मेन एग्जाम में। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जीएस के लिए पहला पॉइंट है कि आपको जीएस में जो एसएसजीडी के लिए सिलेबस दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं एसएसजीडी में। पहला पॉइंट तो ये हो गया, ये आपको पता करना है। ये तो आप खुद ही पता करेंगे कि किस किन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, सिलेबस आपको देखना है। पहला पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट है, आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेवल क्या रहता है, कहाँ कहाँ से, मतलब लेवल किस हद तक जा सकता है, एसएससी किस हद तक जीडी में पूछ सकती है। वो आपको 2024 वाला जो एग्जाम ये हुआ था, इससे पहले वाला, मतलब लगभग 3 से 4 पेपर उठाने हैं जो कंटिन्यू लगातार चल रहे हैं, ठीक है। 2019 दो पॉइंट हो गए। तो तीसरे पॉइंट में आपको क्या करना है कि या तो आप बुक से पढ़िए, ठीक है, बुक को भी क्रमबद्ध पढ़ना है, क्रम से। पहले हिस्ट्री को कंप्लीट कीजिए, फिर पॉलिटी को कंप्लीट कीजिए, फिर अपना जियोग्राफी को कंप्लीट कीजिए, फिर अपने साइंस जो इकोनॉमिक्स जितने भी टॉपिक्स हैं उन्हें क्रमबद्ध पढ़िए, क्रम से बिल्कुल। ये नहीं कहीं से भी किताब खोल ली, ऐसा नहीं है। अगर आपसे बुक से पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है, मान चलिए बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो बुक से नहीं पढ़ते हैं, अगर आपको बुक से पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको मैं बता दूं, नवीन सर की जो नायक सीरीज की क्लास चली है, नायक सीरीज के नाम से उन्होंने क्लास चलाई थी अभी यूट्यूब पर, प्रैक्टिस सेट, शायद बहुत सारे स्टूडेंट की भी होगी आपको वो, उस क्लास पर रिकॉर्डेड क्लास हो चुकी है। अब 30 से 35 क्लास उसमें हो चुकी हैं, और इतनी क्लास हैं, ज़्यादा नहीं होनी है उसमें, 30 से 35 क्लास हैं। आप उन क्लास से जुड़ जाइए, पहली क्लास से जुड़ जाइए, उसके नोट्स बनाइए, ऐसे ऐसे जीडी में आप बेहतर स्कोर कर जाओगे उस क्लास से, बहुत ज़्यादा सफिशियंट है आपके लिए। और आपको उस क्लास को सीधे, ये नहीं है कि देख नहीं है, क्लास को चालू कीजिए, उसके नोट्स बनाइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, जो भी सर उसमें अपने स्क्रीन पर लिखवा दें आपको अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। कॉपी में लिखने के बाद में आपको, मतलब मान चलिए आपने 2 घंटे में क्लास को कंप्लीट किया नोट्स बना के, और फिर लगभग क्लास 2 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे, आधा घंटे में आपका उसका रिविजन हो जाएगा डेली, लगभग 2.5 घंटा लगेगा ये क्लास करने में। अगली क्लास में तभी जाना आप जब उस क्लास का रिविजन करके चले जाए, अगली क्लास जब करो ना तो उसका रिविजन करके चले जाना, जैसे नवीन सर बताते हैं ऐसा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फिर क्लास करने के बाद में आपको क्या करना है, सभी क्लास कंप्लीट कर लेंगे, आपको लगाने मॉक टेस्ट, एसएससी जीडी जो मिनी मॉक टेस्ट होते हैं या फुल मॉक टेस्ट होते हैं, कहीं से भी मॉक टेस्ट लगाइए, जीएस जीएस हो, कोई भी एग्जाम दे दीजिए आप जिसमें जीएस है उसके मॉक टेस्ट लगाइए। आप देखेंगे कि जब जीएस का पार्ट आता है उसमें, तो आपके क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, आप क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं उन्हें स्किप भी करते हैं, तो जो गलत होते हैं जो स्किप करते हैं उन क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। जिस टॉपिक का भी गलत क्वेश्चन होता है उसको अपनी कॉपी में लिखना है, उस टॉपिक के ही फिर बुक से या फिर आपने नोट्स जो बनाया क्लास से उसमें से सर्च करके कि कहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन है और इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल कहाँ से मिलेगी, वो आपको फिर से पढ़ना है। यदि आप एसएससी जीडी 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट बुक है जो चक्षु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है। इस बुक में आपको हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीएस के सभी टॉपिक एक साथ मिल जाते हैं, और साथ ही इसमें आपको फरवरी 2024 में हुए सभी एग्जाम के सॉल्व पेपर मिल जाते हैं, और इन बुक के प्रैक्टिस सेट भी आते हैं जिससे आपकी तैयारी और मजबूत हो सकती है। अगर आप इस बुक को ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आप इस बुक को ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आपको ये बुक नज़दीकी मार्केट में उपलब्ध है, वहाँ से आप इस बुक को ले सकते हैं। जो क्वेश्चन आपका इस बार गलत हो जाता है जीएस में, वो अगली बार वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। या उसी टॉपिक से मान चलिए जनगणना से क्वेश्चन आया कोई और आपका गलत हो गया, तो अगली बार वो जनगणना से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ये इस तरीके से आपने तैयारी करिए जीएस की, आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका स्कोर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। देखो, शुरू में सबका स्कोर डाउन रहता है, हर कोई पेड़ से सीखे नहीं आता है, सब यहीं सीखते हैं, धीरे धीरे सब कुछ होता है। तो आप धैर्यता से अपनी तैयारी कीजिए, आपका जो है स्कोर अपने आप बढ़ेगा, कंटिन्यू बना के रखिए। ये नहीं है कि आज पढ़ लिए 2 दिन नहीं पढ़े, नहीं, रेगुलरली बना के रखेंगे तो आपका जीएस में पढ़ने का मन भी लगेगा और आपको याद भी रहेगा। तो पता क्या है कि हमारा माइंड क्या है, जिस चीज़ में हम ज़्यादा गुस्से रहते हैं ना, मैं वो ज़्यादा आकर्षित करते हैं अपनी तरफ। मान लीजिए अगर हम बुक को पढ़ते रहे तो हमें बुक बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगेगी। क्लास को आप इंटरेस्ट के साथ लीजिए, आपका जो है ना स्कोर अपने आप बढ़ेगा, याद भी होगा, कंटिन्यू बना के रखेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे तो ऐड हो जाता है, तो आपका स्कोर बढ़ जाएगा। इन क्लास जो 3 पॉइंट बताए हैं मैंने, 3-4 पॉइंट, आप उन पॉइंट को कर लीजिए अच्छे से, आपका जीएस में अच्छा स्कोर हो जाएगा। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे, तो मैं आपको जो भी है सलाह दूंगा कुछ ना कुछ, तो आप
ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।